हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मूवी कंटेजन के बारे में। 2011 में आई ये मूवी वैसे तो एक एवरेज मूवी की तरह रिलीज़ हुई थी और उसने परफॉर्मेंस भी कुछ एवरेज मूवी की तरह ही दिया था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2020 में इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली और देखे जाने वाली मूवी में से एक बन जाएगी। फिल्म में कैट विंसलेट, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, जूड लॉ और मैट डेमन जैसे बड़े एक्टर्स ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी है। ये बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है कि इस मूवी की स्टोरी आज के हमारे जो हालात है उससे हूबहू मैच हो रही है। मूवी का बेसिक प्लॉट ही यही है कि एक वायरस है जो दुनिया भर में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और बड़ी मात्रा में लोग मर रहे हैं। सरकारें इसकी वैक्सीन ढूंढने में लगी हुई है और एक बड़े से स्टेडियम में सबकी टेस्टिंग हो रही है। फिल्म में ये वायरस सुअरों में से और चमगादड़ों में से इंसानों में कैसे फैलता है ये दिखाया गया है। हर तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ होता है। इस फिल्म में आम लोगों से लेकर हर कोई इस वायरस से कंटेजियस हो जाता है और एक एक करके मरने लगता है। साइंटिस्ट की बड़ी टीम इस महामारी से बचने की एक वैक्सीन ढूंढने में जुटी हुई होती है। आखिर इस फिल्म के अंत में क्या होता है? क्या दुनिया अपने आप को इस महामारी से बचा पाएगी? क्या होगा अगर सारी दुनिया इस वायरस से कंटेजियस हो जाए? ज़रा सोच के देखिए, 9 साल पहले की ये मूवी आज हमारा प्रेजेंट टाइम दिखाती है। तो एक बार तो इस मूवी को देखना बनता है बॉस। इस मूवी के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और मूवीज़ के रिव्यू मैं आपको जल्द से जल्द दे सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।